नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सुशांत सिंह राजपूत वो नाम बन चुका है जिसने किंग खान का तख्तो ताज हिला दिया, दबंग भाई की दबंगई निकाल दी और खिलाड़ी का खेल बिगाड़ दिया है। ये वो सुपरस्टार हैं जो पिछले 30 साल से पब्लिक के दिल पर राज कर रहे हैं, जिनकी एक झलक पाने के लिए सड़कों पर जाम लग जाता है, जिन्हें लोग अपना आइडल समझते रहे हैं। लेकिन एक उभरते सितारे की मौत ने इन सब की असलियत जनता के सामने ला दी। तभी तो आज सुशांत सिंह राजपूत के लिए हजारों लोग सड़कों पर उतरकर इंसाफ मांग रहे हैं और खुद को सुपरस्टार समझने वाले सलमान, शाहरुख, अक्षय, आमिर ये एक दूसरे को सहारा देकर अदालत पहुंच रहे हैं। इनके लिए सड़क पर उतरना तो दूर, उल्टा जनता इनको सड़क पर लाने की तैयारी कर रही है। लोगों को समझ में आ चुका है कि जिसे वो हीरो समझते थे वो ड्रग और धोखे की दुनिया के विलन्स की तरह हैं, जिनकी जिंदगी का मकसद किसी को इंसाफ दिलाना या न्याय के लिए आवाज उठाना नहीं, बल्कि पब्लिक के इमोशन के साथ खेलकर पैसे कमाना है। कहते हैं आपके कर्म लौट कर आपके पास ही आते हैं, और यही हो रहा है बॉलीवुड गैंग के सरगनाओं के साथ। सुशांत सिंह राजपूत की मौत को 4 महीने बीत चुके हैं। अपने इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इन 4 महीनों से चल रही सुशांत सिंह राजपूत की इंसाफ की लड़ाई आज किस मोड़ पर खड़ी है और इन 4 महीनों में बॉलीवुड की इमेज आम जनता की नजर में किस हद तक गिरी है और क्यों गिरी है। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि लॉकडाउन के बाद करीब 6 महीने बाद थिएटर में जो फिल्में रिलीज होने जा रही हैं उनमें सुशांत सिंह राजपूत की केदारनाथ के अलावा शुभ मंगल ज्यादा सावधान, मलंग, विच हंटिंग के नाम पर रिया की रिहाई की मांग करने वाली और अपने चहेते डायरेक्टर अनुराग कश्यप पर यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पायल घोष की विच हंटिंग करने वाली दोगली तापसी पन्नू की थप्पड़ और अजय देवगन की तान्हाजी है। अब ये आपको तय करना है कि थिएटर जाना है या नहीं। पिछले 4 महीनों में सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद से बॉलीवुड और बॉलीवुड के लिए पब्लिक की भावनाएं पूरी तरह बदल चुकी हैं। अब थिएटर में बॉलीवुड की सबसे बड़ी परीक्षा है जिसका रिपोर्ट कार्ड बनाना पब्लिक के हाथ में है। जनता किसके साथ है ये तो पटना में दिखाई दे गया आज, जहां सुशांत सिंह के लिए इंसाफ मांगने हजारों लोग सड़कों पर उतरे हैं। देश और दुनिया के लाखों लोग उनके लिए लड़ने को तैयार हैं। वहीं सुशांत केस में ईडी ने सुशांत की फिल्म राब्ता के डायरेक्टर दिनेश विजन के दफ्तर में छापा मारा और सुशांत के साथ किए गए पैसों के करार की छानबीन की। दूसरी तरफ सुब्रमण्यम स्वामी ने स्वास्थ्य मंत्रालय और स्वास्थ्य सचिव से मिलकर यह खुलासा किया कि एम्स के फॉरेंसिक हेड सुनील गुप्ता ने सुशांत की मौत को आत्महत्या बताने की खबर बिना उनकी जानकारी के सिलेक्टिव मीडिया से शेयर की। अब सुनील गुप्ता पर कभी भी गाज गिर सकती है। वहीं एनसीबी उन 15 मोबाइल फोन्स की जांच शुरू कर चुकी है जिसमें बड़े बड़े सितारों के ड्रग एंगल के नाम आने की बातें कही जा रही थी। अब बात करते हैं सलमान खान, शाहरुख खान, अक्षय कुमार, आमिर खान जैसे सुपरस्टार्स की, जो सालों से अपने फैंस के सहारे करोड़ों कमा रहे थे, आज अदालत में 2 बूंद इज्जत पाने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत को उनकी मौत के बाद उन्हें ड्रग एडिक्ट, वुमनाइजर और मानसिक रोगी बताने वाला बॉलीवुड गैंग अब अपने ऊपर लगे इन्हीं आरोपों से तिलमिलाया हुआ है। इनमें वो सारे सुपरस्टार और बॉलीवुड के बड़े बड़े कैंप्स शामिल हैं जिन्होंने सुशांत को बदनाम किया या फिर सुशांत की बदनामी पर मुंह सिल लिया, जो खुद तो ड्रग के गटर के कीड़े हैं लेकिन गटर का ढक्कन खोलने वाले, उनकी पर्सनल लाइफ में घुसने वाले उनको विलन लगते हैं। मीडिया ने इन्हें इतनी बुरी तरह एक्सपोज किया कि जिस पब्लिक के भरोसे ये सितारे बनकर चमक रहे थे, अब उसी पब्लिक को मुंह दिखाने में इन्हें शर्म आ रही है। इन्हें पता है कि ये जनता की अदालत में गए तो इन्हें जूते पड़ेंगे, इसीलिए अब देश की अदालत में गिड़गिड़ा रहे हैं कि जज साहब बहुत बेइज्जती कर दी है मीडिया ने, मारा कम है घसीटा ज्यादा है, अब आप ही हमें बचाइए। ये उस मीडिया के खिलाफ अदालत पहुंचे हैं जिसने सुशांत सिंह राजपूत के बूढ़े पिता के कंधों पर बेटे की अर्थी का बोझ महसूस किया। ये उस मीडिया के खिलाफ अदालत पहुंचे हैं जिसने उन बहनों को न्याय की उम्मीद दिखाई जिन्होंने अपने इकलौते भाई को खो दिया। ये बेशर्म बॉलीवुड गैंग उस मीडिया के खिलाफ अदालत पहुंचा है जिसने बॉलीवुड के ड्रग माफिया का गेम बजा कर रख दिया, जहां दीपिका पादुकोण माल मांगती हुई पकड़ी गई, जहां सारा अली खान और श्रद्धा कपूर की चैट ने बता दिया कि बॉलीवुड में ड्रग्स इज कूल। बॉलीवुड के ये गैंगस्टर उस मीडिया के खिलाफ अदालत पहुंचे हैं जिसने बॉलीवुड की ड्रग्स, सेक्स और धोखे से भरी थाली के सारे छेद जनता को दिखा दिए। सुशांत सिंह राजपूत के लिए इंसाफ की लड़ाई 4 महीने से चल रही है, लेकिन खुद को फिल्म फैटर्निटी यानी परिवार कहने वाला बॉलीवुड अपने ही एक सितारे की मौत पर आंखें मूंदेगा
तो सवाल तो उठेंगे ही। जिस फिल्म इंडस्ट्री को सुशांत के परिवार के साथ इंसाफ के लिए आवाज उठानी थी, वो ऐसे गायब हो गया जैसे कोरोना में थिएटर से फिल्में। तब सुशांत के फैंस और मीडिया ने सुशांत को न्याय दिलाने का बीड़ा उठाया और तब फिल्मी दुनिया का जो काला सच सामने आया, उससे पता चल गया कि सुशांत की मौत पर बॉलीवुड में इतना सन्नाटा क्यों है। भाई, हालात ये हैं कि फिल्म इंडस्ट्री के मठाधीशों की हर फिल्म, वेब सीरीज, यहां तक कि एड फिल्में तक सोशल मीडिया पर बायकॉट की जा रही हैं। धंधे पर आंच आई तो बॉलीवुड की कीचड़ में लोट लोट कर लड़ने वाले ये सारे सितारे एकजुट हो गए। सबको पता है कि सभी कीचड़ में सने हैं। फिर इस झुंड ने ये तय किया कि हमारी कीचड़ को जिस मीडिया ने दिखाया है, अब हम साथ मिलकर उससे लड़ेंगे। और 34 बड़े प्रोडक्शन हाउसेस और 4 संस्थाओं ने मिलकर रिपब्लिक टीवी, टाइम्स नाउ और उनके पत्रकारों पर केस ठोक दिया। लेकिन इन्हें यह नहीं पता कि देश की अदालत के फैसले का गंगा जल इनके पापों को नहीं धो पाएगा, क्योंकि ये सब अपने भगवान यानी पब्लिक की नजर में गिर चुके हैं। वो क्यों? तो जरा मीडिया पर केस ठोकने वाले 34 में से चंद प्रोडक्शन हाउसेस हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं कि सुशांत की मौत के बाद उनके कारनामे क्या थे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। केस ठोकने वालों में भट्ट कैंप है, जिसके पितामह महेश भट्ट ने सुशांत की मौत के फौरन बाद उन्हें मानसिक रोगी बताने का एजेंडा चला दिया था। ये तक कह दिया था कि वो परवीन बाबी की तरह हो गए हैं। दूसरा नाम है सलमान खान के प्रोडक्शन हाउस का। सुशांत सिंह राजपूत की मौत हो या बॉलीवुड का ड्रग सिंडिकेट, उनकी भूमिका पर लगातार सवाल उठे हैं और सलमान ने कभी पब्लिक के सामने अपना पक्ष तक रखना जरूरी नहीं समझा। इसीलिए आज उनके फैंस भी जब उनका बचाव करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ट्रोल होना पड़ता है। ऊपर से अपने शो कपिल शर्मा में वो अर्णब गोस्वामी का मजाक उड़ाते हैं, वो अर्णब स्वामी जो लगातार सुशांत की इंसाफ की लड़ाई अपने चैनल पर लड़ रहे हैं। इसीलिए आज उनके फैंस भी जब उनका बचाव करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ट्रोल होना पड़ता है। तीसरा है आमिर खान का प्रोडक्शन हाउस, जो आजकल भारत विरोधी टर्की में ठिकाना ढूंढ रहे हैं, जिनकी बीवी को अपने बच्चों के साथ भारत में डर लगता है क्योंकि यहाँ टॉलरेंस नहीं है। लेकिन आमिर खान और उनकी बीवी को बॉलीवुड में डर नहीं लगता, जहाँ ड्रग्स पार्टियां होती हैं, जहाँ नई जनरेशन को इंडस्ट्री में आते ही ड्रग्स के डोज का संस्कार दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे आम परिवारों में बच्चे को पहली बार अनाज का छोटा चम्मच दिया जाता है, जिससे वो धीरे धीरे अनाज खाना सीख जाता है। हाल ही में उनकी खुद की बेटी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कि सब कुछ होने के बावजूद भी वो कई साल से डिप्रेशन का शिकार है। जिस बॉलीवुड में संस्कारों के नाम पर ड्रग्स दी जाती हो और परफेक्शनिस्ट पिता को तब भी ये इंडस्ट्री परफेक्ट लगती हो, तो बच्चों को डिप्रेशन नहीं होगा तो क्या होगा। केस ठोकने वालों में चौथा नाम है शाहरुख खान के प्रोडक्शन हाउस का। वो शाहरुख खान जिनका सुशांत सिंह राजपूत जबरदस्त फैन था, इतना बड़ा फैन कि अपनी आखिरी फिल्म दिल बेचारा में सुशांत ने शाहरुख की फिल्म के कई सीन्स की एक्टिंग तक की। लेकिन उनका दिल बेचारा ये नहीं जानता था कि उनकी मौत के बाद बादशाह पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब किंग खान की सत्ता का सिंहासन सुशांत के इंसाफ की आंधी में हिलने लगा और ड्रग की कीचड़ के छींटे उनके दामन पर पड़ने लगे, तो वो बिलबिलाते हुए केस करने वालों के झुंड में शामिल हो गए। पांचवा नाम है खिलाड़ी यानी अक्षय कुमार के प्रोडक्शन का, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में देशभक्ति की फिल्मों से एक राष्ट्रवादी हीरो की इमेज बना ली थी। लेकिन असल जिंदगी में, राष्ट्रहित में, जब ड्रग्स जैसी गंदगी के बारे में खुलकर बोलने का मौका आया तो खिलाड़ी खेल गया। उनकी मौका परस्ती तब सबके सामने आ गई जब 3.5 महीने तक चुपचाप तमाशा देखने वाले खिलाड़ी कुमार तब बोले जब उनकी खुद की फिल्म रिलीज होने वाली है। बॉयकॉट की चाबुक से बचने के लिए बॉलीवुड में ड्रग्स की बात को इन्होंने मान तो लिया, लेकिन इनकी पत्नी और नेपोटिज्म का रिजेक्टेड प्रोडक्ट ट्विंकल खन्ना ने ड्रग मामले में रिया का बचाव करते हुए टाइम्स ऑफ इंडिया में लंबी चौड़ी कथा लिख दी। बस यहीं अक्षय कुमार का दोगलापन लोगों को समझ में आ गया। फिल्म पर बॉयकॉट की तलवार लटकी है तो सोचा गैंग के साथ ही हो लिया जाए, शायद कुछ भला हो जाए, तो चलो केस कर देते हैं। फिर नंबर आता है धर्मा प्रोडक्शन का, जिसके मालिक हैं करण जौहर, जो फिलहाल इन दिनों यही सोचते होंगे कि ना सुशांत की जान जाती, ना मेरी ड्रग पार्टी की बंद हो चुकी फाइल दोबारा खुलती, ना सुशांत के साथ बनाई फिल्म ड्राइव के साथ मेरी की गई राजनीति पकड़ी जाती। अब तो ये हाल हो गया है कि ड्रग्स तो छोड़े, इन्हें कोई कॉफी भी नहीं पिला रहा है। केस ठोकने वालों में अगला नाम है यशराज फिल्म्स का, जिसके कर्ता धर्ता है आदित्य चोपड़ा।
सुशांत की मौत के बाद सबसे पहले यशराज फिल्म्स के उनके साथ किए गए करार को लेकर ही सवाल उठे थे, जिसके बैनर तले पानी नाम की फिल्म बननी थी, जिसके लिए सुशांत को साइन किया गया था और शेखर कपूर इसे डायरेक्ट करने वाले थे। शेखर कपूर ने खुद बताया था कि सुशांत इस फिल्म को लेकर कितने सीरियस थे और कितनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन यशराज फिल्म्स ने बिना सुशांत को बताए फिल्म बंद कर दी। शेखर कपूर खुद बता चुके हैं कि सुशांत इस खबर से इतने दुखी हुए थे कि उनके सामने रोने लगे। ये तो चंद वो बड़े नाम हैं जो सुशांत केस को उठाने वाले मीडिया के खिलाफ कोर्ट पहुंचे हैं, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा क्या हुआ कि पहली बार पूरी इंडस्ट्री के लगभग सारे प्रोडक्शन हाउसेस सुशांत केस पर कवरेज करने वाली मीडिया के खिलाफ कानून के दरवाजे पर पहुंच गए। तो ऐसा है कि बॉलीवुड के इस हमाम में सब रंगे हैं। जैसे सरकारी भ्रष्टाचार पूरे सिस्टम में घुसा हुआ है, ठीक उसी तरह ड्रग सिंडिकेट से लेकर प्रोस्टिट्यूशन तक का कारोबार पूरे बॉलीवुड के सिस्टम में दौड़ता है। जो इसका हिस्सा नहीं बनता उसे इंडस्ट्री से या तो बाहर फेंक दिया जाता है या वो इंडस्ट्री में कभी सर्वाइव करने लायक बचता ही नहीं है। अब जब मीडिया के थ्रू ये सब कुछ पब्लिक के सामने आ गया, पब्लिक इनके खिलाफ एक्शन की मांग करने लगी और बॉलीवुड एजेंसियों के निशाने पर आ गया। सुशांत की मौत के बाद बॉलीवुड में जिस तरह से नेपोटिज्म से लेकर ड्रग सिंडिकेट तक का भंडाफोड़ हुआ और उस पर पब्लिक का जबरदस्त गुस्सा दिखा, उसने पूरे बॉलीवुड के बिजनेस की नींव हिला दी। कोरोना में वैसे ही फिल्म इंडस्ट्री को जबरदस्त नुकसान हुआ है। 6 महीने से फिल्में थिएटर में रिलीज भी नहीं हो रही हैं। अब जब हालात सुधरने की उम्मीद जगी थी तो सुशांत केस ने बॉलीवुड के काले चिट्ठे खोल दिए और हर रोज सोशल मीडिया पर बॉलीवुड के खिलाफ कोई ना कोई ट्रेंड जरूर नजर आता है। फिल्म इंडस्ट्री को लगता है कि मीडिया का मुंह बंद करवा कर वो अपनी खोई साख वापस पा लेंगे, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में बॉलीवुड की इमेज को पहली बार ऐसा करारा झटका लगा है जिससे उसे अदालत के फैसले की कोई कॉपी नहीं उबार सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।